ये वाली वेन्यू एसएक्स ऑप्शनल और एनलाइन में 70,000 रुपए का डिफरेंस है। तो टोटल मेरे को ये गाड़ी पड़ेगी 14,34,000 गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा गला थोड़ा फंसा हुआ है क्योंकि कल रात में ना हमने कुछ ज़्यादा ही पार्टी कर ली थी और उसके वजह से अगले दिन सुबह उसका भुगतान रुक जा भाई। तो जी आज थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, आज का इम्पोर्टेंट डे, कल बताया था आपको, आज हम जा रहे हैं अपने नई होने वाली गाड़ी की PDI करने। अब उस PDI के लिए क्या ज़रूरत है, हुंडई में जाना, क्योंकि वहाँ जाके ही करेंगे ना, गाड़ी तो घर पे आएगी नहीं। तो ये पहले घर से निकलते हैं, अज्जू भाई को पिक करते हैं, उनको मैंने मैसेज कर दिया था, और फिर सीधे निकलते हैं यहाँ से हुंडई। अब 2-3 दिन से मैं थार चला रहा था और उसके बाद ये गाड़ी चलाने में एकदम ही अलग फील हो रहा है यार। मतलब एकदम ही डायनामिक्स का एकदम डिफरेंस है, तो मज़ा आ रहा है यार। आज अज्जू भाई ने वैसे भी कल बोल दिया था कि भैया थार लेके मत आना, फॉर्च्यूनर लेके आना, उसी में मैं चलूंगा। मैंने कहा ठीक है जी, चलो इसी बहाने मैं भी चला लूंगा। जब से ट्रिप से आया ना इस गाड़ी में ना, एक बार भी मैंने गाड़ी वॉश नहीं कराई है बाहर जाके, प्लस अंदर से भी साफ नहीं कराया, क्योंकि अभी भी इसमें ना बहुत सारा सामान पीछे पड़ा हुआ है। ये देखो पीछे पूरा सीट पे सामान, डिक्की में सामान, मनी का भी सामान पड़ा हुआ है। बट यार इस मैट की वजह से ना गाड़ी बिल्कुल भी गंदी नहीं दिखती। देखो पूरे ट्रिप में इसी मैट को यूज किया, एक बार गाड़ी धुलवाया वो भी अंदर से नहीं धुलवाया। जबरदस्त है भाई, जबरदस्त चीज है। हाँ, ट्रिप पे जाओ और फिर धुलवाओ भी मत, काम चोरी का पूरा साधन। 3:30 का टाइम दिया था और अभी 3:20 हो रहा है। सुबह से मेरा निकलने का मन ही नहीं किया यार, कैमरा उठाने तक का मन नहीं किया। मैंने कहा चल लंच के बाद ही जाएंगे यार, सेकंड हाफ में, हर दिन सुबह उठ के क्या ही फायदा। खेलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। ऐसे वाले जितने भी टर्न्स होते ना यार, जहाँ पे आपको सामने से आती हुई गाड़ी नहीं दिखती है, झाड़ी वाड़ी के, वैसे वो बड़े डेंजरस होते हैं भाई। कौन सी गाड़ी कितने रफ्तार से आ रही है ना, पता ही नहीं चलता है। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि भाई अपना जो आईफोन है ना, मतलब iPhone 14, वैसे तो मेरे को जरूरत नहीं है, ऐसे ही जबरदस्ती मैं जाके पूछता रहता हूँ, बट अगर ना अचानक से जरूरत पड़े ना, दुबई से जाके ले आऊँ, दुबई में बहुत सस्ता है। यहाँ भी वैसे GST रिटर्न करा लेंगे तो बराबर ही पड़ेगा, लेकिन दुबई घूम भी लेंगे यार। हाँ, बहुत दिन हो गया कहीं फ्लाइट वाइट से ट्रैवल किए हुए, फ्लाइट से ट्रैवल किए हुए। अपने जिंदगी का एक के मकसद है PDI भाई, की हलचल। अभी कहाँ, अभी तो गाड़ी आई नहीं है, अभी तो हम देखने जा रहे हैं, उसके बाद कैंसिल कर देंगे। देखने के बाद पसंद नहीं आई, PDI में मजा नहीं आया, वो नहीं मिल पाई। नहीं यार, लेकिन गाड़ी पता है कल मैंने रोड पे देखी ना, बड़ी सुंदर लग रही थी यार, बहुत ही सुंदर। जब आप किसी चीज के बारे में सोचने लग जाते हो ना, तो वही दिखती है एग्जैक्टली। कल मेरे को वेन्यू नजर आ रही है। सुबह से ना 3 बार हुंडई से फोन आ गया, सर कब आ रहे हो कब आ रहे हो। यही कोई दूसरी गाड़ी होती ना जिसको मुझे चलाना होता है, या मैंने, मतलब ये तो डैड के लिए है, तो मैं तुरंत सुबह सुबह रात भर नींद नहीं आती भाई गाड़ी देखने जाने। आज मैं भाई चलते है ना, कोई टेंशन नहीं है, चलते है। 2 महीने हो गए ना, तो एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाती है यार। नहीं भाई ऐसी बात नहीं, वो आपको चलानी ही नहीं है ना। हाँ, वो मेरे को चलानी भी कम है, मतलब थोड़ी बहुत तो चलाऊंगा, बट तो चलाओगे स्टार्टिंग में 2-4 दिन तो आप पे रहेगी। हाँ, नई गाड़ी का फील, सर्विस तो आप ही कराओगे। हाँ, 1,000 वाली करा के फिर उसको घर ड्रॉप कर दूंगा ना भाई। आ गए हम हुंडई, और इसी में से 3-4 वेन्यू तो यहाँ पे मेरे को दिख रही है, तो इसी में से कोई होगी। नहीं नहीं यार, इसमें तो सब नंबर प्लेट लगा हुआ है, पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, अभी तो बिना नंबर है ना, अभी तो मैंने खरीदी नहीं ना, जैसे बुकिंग अमाउंट दिया। भाई गाड़ी कहाँ लगाए, नंबर क्या ले रहे हो? नंबर तो भाई नॉर्मल। तो जी ये रही अपनी गाड़ी, अभी हम कर रहे हैं थोड़ा सा इसका PDI, और भाई साहब बहुत सही चीज़ है ये। पहली बार मैं एक्चुअली वेन्यू में बैठ रहा हूँ, मतलब जब चलाई थी तो वो नॉर्मल वाली चलाई थी, फिर DCT मैंने ये चलाई थी, i20 आती है ना DCT, तो अभी ये सही लग रहा है यार। सनरूफ वनरूफ सब खोल वोल के देख रहे हैं भैया कितना खुलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, पूरा है भाई, पूरा खुलता है ना। हाँ ये सही है, कौन सा डैड सनरूफ से निकलने वाला है, तो ऐसे ही है नॉर्मल। हाँ तब वो उनका मन। और सबसे बड़ी चीज ना यार, इसमें 6 एयरबैग्स हैं, नी एयरबैग भी है, नी एयरबैग है ना इसमें, नी नहीं है, 2 फ्रंट के 2 कर्टन एयरबैग्स। अच्छा 7 नहीं है, 6 है, ओ नी एयरबैग नहीं है भाई। कोई नहीं। अच्छा ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है ना, ये तो है नहीं एडजस्टेबल,
नहीं होगा ओके ओके, मतलब आधा चीजें छोड़ दी। और ये वायरलेस है, ये वायरलेस है, डोर बंद होंगे जब चार्जिंग करेगा। अच्छा दोनों जी। ऐसा क्यों, डोर बंद, बिना डोर बंद किए चार्जिंग नहीं लेगा भाई? क्यों नहीं चल रहा है भाई? एक बार ये कवर हटाना, हो गया ना? हो गया, हाँ चल रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बंद होंगे चारों। अच्छा तभी चार्जिंग, चार्जिंग लेगा। हाँ ये कैसे खुलेगा? अच्छा यहाँ पे नीचे, सही है। इसकी टेल लाइट मुझे बहुत सही लगी यार, इसकी टेल लाइट चेंज हुई ना, ये बहुत सही लगती है। SX ऑप्शनल है ना ये? SX ऑप्शन, तो ऑप्शनल ओ क्यों नहीं लिखा है? इसके अंदर आते नहीं है, टॉप एंड के अंदर फीचर्स का ही चेंजेस है ऑप्शनल के अंदर। अच्छा बाकी सब चीज सेम है, एलॉयज भी। हाँ विक्रम भाई की कमी पूरी करने आ गया ना मैं। हाँ भाई ये रहा अपना इंजन बे, चलो बहुत सही है। मतलब कि हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा गाड़ी लेने वाला इंसान है ना वो ये है। नहीं ये डैड की है। अरे ये तो आपने यार गिफ्ट तो कर ही रहे हो ना डैड को। ये ग्रिल चेंज किया है ना? ग्रिल चेंज किया है। हाँ ये ग्रिल चेंज, फ्रंट पीछे का टेल लाइट। अच्छा फ्रंट पार्किंग सेंसर भी नहीं है इसमें? फ्रंट पता नहीं भाई, बैक है भाई, सीट कवर वगैरह भी तो डिफरेंट है, अंदर से भी डिफरेंट है भाई। ये तो बहुत जबरदस्त है ना, ये देखो ना रेड रेड एक्सेंट कितना अच्छा लग रहा है भाई। तो अभी हम जा रहे हैं एन लाइन की टेस्ट ड्राइव लेने, बेसिकली एक बार चला के देखने। तो यहाँ पे ना ये डैश कैम ये कितना सही लग रहा है, इधर से निकाल लो। और इंटीरियर्स भी बहुत सही है यार, हाँ बहुत सुंदर है। ब्लैक पे ना ऑल ब्लैक टाइप की ना ये चीज फील, वाह फील ही अलग है यार, जैसे GR स्पोर्ट्स में ऑल ब्लैक है ना। हाँ ना पहले मुझे वेन्यू ना बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं, बट उसके बाद ना मैंने जिस दिन एन लाइन चलाई ना वो, मैंने कहा यार ये i20 चलाई थी भाई, क्या भग रही थी यार। मैं तो सिमिलर, हाँ यहाँ पे बताओ ओनली टाइप ऑफ डिजाइन का फर्क है, वो हैचबैक और ये एसयूवी साइड। रास्ता छोटा पड़ रहा है भैया। और मैं चीज़ पैनल शिफ्टर जो एकदम से फट से गियर चेंज करता है, साथ के साथ कोई लैग नहीं है गियर चेंज करने का। हाँ। भाई अपन चलाएंगे अब वेन्यू एन लाइन, हाँ ड्यूअल एग्जॉस्ट। यार ये गाड़ी मेरे को ज्यादा सही लग रही है उससे, पता नहीं क्यों। हाँ जब ये वाली वेन्यू SX ऑप्शनल और एन लाइन में 70,000 रुपए का डिफरेंस है, मतलब 70,000 में वही कैमरा वैमरा, दो तीन जो कॉस्मेटिक चीजें है ना वही है। क्रोलबाग जाके नहीं नहीं करुणबाग नहीं जाके भाई, पापा चलाएंगे, मैं वह कहेंगे तूने ये क्या को जेल ऑडियो। हाँ ओ भाई जेल ऑडियो, हाँ सीरियसली देखो जेल ऑडियो तो बनता है। हाँ ठीक है पापा के लिए जेल ऑडियो और एक डैश कैम तो अपने पास है, गया डैश कैम तो मंगवा लूंगा। ठीक है एनलाइन का बैजिंग ले आऊंगा थाईलैंड से। हाँ, बस हो गई एनलाइन, और ये रेड वाली स्ट्रिप लगवा लूंगा। टेप ही है यार भाई। तो अभी पेमेंट की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे हैं, तो टोटल मेरे को ये गाड़ी पड़ेगी 14,34,000 ये एक शोरूम है, ये TDS है, ये रजिस्ट्रेशन है, गुड़गांव रजिस्ट्रेशन रहेगी, ये फास्टैग है। फास्टैग किसका दोगे? पेटीएम का ही चाहिए। हाँ पेटीएम, नहीं 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 IDBI नहीं भाई, शेयर तो बढ़ नहीं रहे उसके। ये अपना इंश्योरेंस वगैरह सब चीज़ है भाई। तो अपनी यहाँ की थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज हो गई और बाकी हमने समझ लिया कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। अशोक भाई को सारे पैसे भेज देंगे, उसके बाद आके साइन वाइन कर लेंगे, ताकि अशोक भाई जिस दिन अपन डिलीवरी लें सीधे पर्दा उठाएं और गाड़ी लेके चले जाएं। डीजल भरवा दोगे? सॉरी पेट्रोल, गलती से डीजल ना भरवा दो इसमें मैं।
बट सही है यार, मेरे को N-Line का इंटीरियर ना ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब इसका भी अच्छा है, N-Line का और ज़्यादा अच्छा है, बाकी थोड़ा बहुत ही चेंज है वो ठीक है, अच्छी लग रही है यार। मेरा कलर भी अभी रिवील कर दिया ना, क्या इतना सरप्राइज करूँ, ये करूँ वो करूँ। मेरे को इसका पीछे का टेल लाइट ना बहुत सही लग रहा है। ये मेरी हुंडई की पहली गाड़ी होगी, तो इस गाड़ी को भी मैं अपने नाम पे ले रहा हूँ, डैड के नाम पे नहीं, बिकॉज इसका डिप्रिसिएशन क्लेम हो जाएगा। वो कल सीए से जब मिले थे तो उन्होंने बताया पूरा किस्सा कहानी के एग्जैक्टली इसमें क्या कर सकते क्या, क्योंकि टैक्स भी तो बचाना है ना भाई, इनकम वाला टैक्स। इनकम उतना है नहीं, साला टैक्स ही दिए जा रहे हैं और रोड फिर भी मेरे घर के बन नहीं रही है। चंद्रताल वाला एक्सपीरियंस है कि किस चीज के लिए टोल वोल देते तो अच्छा लगता है, समझ में आता है भाई, घर के बाहर मेंटेनेंस देते यार और रोड ही नहीं बनते, क्या ही है यार बताओ। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से साइबर हब टिमोटन्स जा रहे हैं, और भाई को एक्चुअली साइबर हब में कुछ काम है, तो वो छोटा सा काम करेंगे और फिर देखते हैं। हाँ, तो गाड़ी में ना सामान रखा भड़ड़ 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 भड़ड़, पीछे ना वो बज नहीं रहा है पानी वाला, वो डीएफ रखा हुआ है ना, इसको एक बार ना टोयोटा जी लेके जाऊंगा, दिखा लूंगा भाई, दिखा लूंगा कि देख लो भाई कुछ सब चीज सही पार्ट चल रहा है ना यार, नहीं मेरे को तो नहीं लग रहा, लेकिन उनको फिर भी दिखा लूंगा ना, वो एक्सपर्ट है ना। 5000 किलोमीटर के करीब का ट्रिप था, 5000 किलोमीटर। कितनी चल गई टोटल यार? चल गई भाई, कितनी चल गई? 16000 चल गई भाई, मेरी थार चली है तो 12-13 हजार, ये 16000 चल गई। दुनिया यहाँ तरसती है पार्किंग के लिए। हाँ, पार्किंग खोजना पड़ता है यहाँ, तो एकदम सबसे पहली गाड़ी लगी है। तीन नंबर तो खड़ी जैसे जैसे थोड़ा सा विंटर्स और बढ़ेगा ना यहाँ पे, ना यहाँ पे बड़े सारे शोज वोज होते रहते, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है भाई। ये जगह ना अलग ही वाइब है यार इस जगह की, पर अब आना कम होता है। पहले ऑफिस होता था ना तो HDFC का ब्रांच इधर था, तब बहुत आता था। अब तो लास्ट आई थिंक एक पार्टी में आया था और उसके बाद आज आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद आ रहा हूँ। हाँ, उसके बाद एक बार और मैं आया था। फरारी वाला अपना चश्मा लिया था रेबैन का, तो बज्जू भाई के साथ आए थे। देखो इसका बॉक्स कितना सही है, बट मेरे को नॉर्मल वाला बॉक्स मिल गया, तो अभी ये बॉक्स ले भाई, जिस चीज़ के लिए आया था वो करने जा रहे हैं। ये एक तो हमने वहाँ से ना उठा ही लिया, ये सही है, कॉफ़ी रेडी हो गई अपनी, अब वहीं से कट लेंगे भाई। ये देखो, ये बता रहा था मैं, ये है फरारी वाला और ये नॉर्मल वाला। कल अपने फरारी का चश्मा लिया तो नॉर्मल वाला अपने को ये मिल गया था, आज वहाँ नहीं जाता तो पता ही नहीं चलता भाई। आज एक शेड्स हमने और लिया है, एक्चुअली अब हम शेड्स का कलेक्शन कलेक्ट कर रहे हैं, तो आई डोंट नो गाड़ी को तो हो गया है। हाँ, गाड़ी को हो गया। ये देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसमें गोल्ड भी था और मतलब गोल्डन भी था, गोल्ड क्या ही होगा, तो ऐसा था, तो ये ले लिया था। अभी इसमें डाल के भाई का 150 रुपए वाले में काट दिया। हाँ बताओ यार, कितना कितना मेरे को बुरा लगा ना, बताओ। हाँ, कितना बुरा लगा, बहुत ज्यादा ना, बहुत रोया मैं, बहुत रोया उस दिन, मैं बहुत रोया। ये सामने जा रही है वेन्यू, हाँ इसकी लाइट तो जलती हुई पहली बार देख रहा हूँ मैं, क्या सही लग रही है। मेरे को पीछे से तो पता ही नहीं चला, अज्जू भाई ने बताया ये वेन्यू जा रही है, सही लग रही है यार, बहुत सही, पीछे से बहुत सही कर दी। अब वो नहीं है आफ्टर मार्केट वाला। हाँ, आफ्टर मार्केट वाला दे दो, ये आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता था ये लाइट, फिर वो ऐसे। चलो अज्जू भाई, ओके भाई, चलो मिलते हैं ना अभी थोड़ी देर में। हाँ, एक कॉफी बच रही है हमारी, एक कॉफी बच रही है ना, बिल्कुल। हाँ, तभी तो रात्रि भर जागरण होगी। उतरना था मैं भारी को, लेकिन डिफेंडर तो इजी है भाई, फुटरेस नहीं हो तब तो दिक्कत है भाई, तब तो दिक्कत है। हाँ, चलो जी, बाय बाय।